Dear students, today we will solve our assignment of chapter animal. देखिए, write T for true and F for false. हमने true के लिए T लिखना है और false के लिए F लिखना है. Animals that eat only plants are called herbivores. जो animal plants को खाते हैं क्या वो herbivores होते हैं? मैंने आपको फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इनकी टाइप्स बताई थी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सिक्वेंजर्स. तो हर्बीवोरस में यही बताया था कि जो एनिमल प्लांट खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं. तो इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर टी. एक्वेटिक एनिमल लीव ऑन लैंड. एक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं, जलीय जानवर होते हैं, वो धरती पर रहते हैं नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो एनिमल हमारे लैंड पे रहते नहीं हैं. एक्वेटिक एनिमल हमेशा वाटर में ही रहते हैं. कोआल एंड लेमर आर एर्बोरियल एनिमल. यस, कोआल और लेमर जो होते हैं वो अपना सारा जीवन पेड़ों पर व्यतीत करते हैं उनका, तो इसीलिए वो एर्बोरियल एनिमल होते हैं. टाइगर एंड लॉयन आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. जो शेर और चीते हैं क्या वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं? नहीं, वो वॉर्म ब्लडेड एनिमल है. वॉर्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल. बैट्स जो है वो रात के समय एक्टिव रहने वाला एनिमल है, तो ये ट्रू हो जाएगा. फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? यस, फ्रॉग्स है कोल्ड ब्लडेड एनिमल. वो अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं. काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक मतलब घरेलू. काऊ को हम अपने घर में पालते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो आज आपने यही असाइनमेंट को सॉल्व करना है और इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है.